24 अप्रैल को शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई थी। 7 जुलाई 2024 को शुक्र ग्रह फिर से उदय होंगे, जिसके बाद हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों पर से लगी रोक हट जाएगी। 74 दिन बाद शुक्र ग्रह फिर से उदय होंगे और राशि चक्र के कुछ राशियों के जातकों को विशेष लाभ पहुंचाएंगे, जहां शुक्र ग्रह इन राशियों के जातकों को गाड़ी, बंगला, मकान, हर वो चीज देंगे जिससे इनका जीवन सुखी होगा। शुक्र ग्रह के उदय को लेकर हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने शुक्र ग्रह के उदय को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक होता शुक्र ग्रह और एक होता है गुरु बृहस्पति, जिसको मतलब गुरु ग्रह के नाम से बोलते हैं। शुक्र अस्त हो जाता है, गांव की भाषा में कहते थे, ग्रामीण भाषा में, सूक डूब गया। गुरु बृहस्पति डूब जाता है, उसमें भी पंजाबी लोग कहते हैं, पंजाबी वो कहते सुना है, तारा डूब गया, तारा डूब गया। तो तारा डूबने में सभी शुभ कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। शुक्र ग्रह का अस्त होना 5:59 पर प्रारंभ हुआ है, जो कि शुक्र ग्रह पूर्व दिशा में अस्त हुए हैं। 24 अप्रैल का जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार तारीख पड़ती है, उस दिन अस्त हुआ था। तो इसका आगे चल करके जो पूर्ण अवधि बैठती है, 74 दिन बैठते हैं, जैसा कि अब आगे 7 जुलाई को शुक्र उदय हो जाएगा। तो इस अवधि में, 74 दिन की अवधि में, शुक्र ग्रह जब अस्त थे तो जितने भी सभी राशियां थी उन पर शुक्र ग्रह से संबंधित लाभ बिल्कुल नहीं हुआ। 7 जुलाई को शुक्र ग्रह उदय हो रहे हैं तो सभी राशियों पर, केवल धनु राशि को छोड़ करके धनु राशि पर कम लाभ की संभावना बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त जो 11 राशि हैं इन पर शुक्र ग्रह का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जो भी व्यक्ति हैं सभी राशियों पर, तो उनके अलग अलग उनकी मनोकामनाएं हैं। कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदेगा, 4-व्हीलर और 2-व्हीलर, इसके अतिरिक्त जो घर में ऐश आराम की चीज़ें हैं, घर के पर्दे, गद्दे, और जिससे हमें लाभ मिलता है आराम की चीज़ें, कोई डबल बेड भी ले सकता है, जो भी शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं वो सब खरीदनी प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा जो धर्म कर्म के कार्य है, विवाह संस्कार प्रारंभ हो जाएंगे, घर के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान, वो रुद्राभिषेक, और कोई भी बड़ा कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं या कोई हम भंडारा करना चाहते हैं, और एक अपना परोपकार के लिए कोई भी मंदिर में किसी प्रकार का भी बड़ा आयोजन करना चाहते हैं, तो वह शुक्र उदय होने पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।